पूरी दुनिया में किडनी की बीमारी की सबसे आम वजह ब्लड प्रेशर और शुगर है। भारत में भी शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी वजह से किडनी की बीमारी भी तेज़ी से बढ़ रही है। आधे से ज़्यादा लोगों की किडनी शुगर की वजह से डैमेज होती है। दूसरी तरफ किडनी के 80% से ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होता है। यदि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करें तो किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत जल्दी ही डायलिसिस की नौबत आ जाती है। इसलिए शुगर और ब्लड प्रेशर के लोगों को हर साल अपनी किडनी चेक करानी चाहिए। दूसरी वजह कि किडनी की बीमारी के शुरू में कोई सिम्टम भी नहीं होते, बाद में जाके किडनी के सिम्टम जैसे सूजन आना, भूख ना लगना, जी मतलाना, खून की कमी, कमज़ोरी वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो किडनी की बीमारी के साथ भी लंबे समय तक हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सावधानियां जैसे कि बीपी शुगर को कंट्रोल रखना, पेन किलर ना खाना, टेंशन ना लेना, कम नमक वाला सादा भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, मोटापे से बचना, यदि मोटापा है तो वजन घटा के उसको प्रॉपर करना, स्मोकिंग ना करना और पेन किलर भी हमें अवॉइड करने चाहिए। इस तरह हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किडनी की बीमारी हो गई तो किडनी को ज़्यादा डैमेज होने से और डायलिसिस से भी बचा जा सकता है।